गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको नानी की रेसिपी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पत्ता गोभी की खीर किस तरीके से बनेगी। तो ये हमने, जैसे बंद गोभी बोला जाता है, ये हमने बंद गोभी लिया है, ये हमने कद्दूकस कर लिया है, बहुत बारीक कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। इसके लिए हमने ये 500 ग्राम हमने पत्ता गोभी लिया है, 1.5 लीटर हमने ये दूध लिया है, 100 ग्राम हमने ये कोला लिया है, ये कस लिया है हमने, ये 3 बड़े चम्मच हमने बादाम के लिए जो टुकड़ों में काट लिए, 100 ग्राम हमने किशमिश लिए, 100 ग्राम हमने मावा लिया है, 100 ग्राम हमने ये काजू लिए हैं, अभी हम ये टुकड़ों में काट लेंगे, ये 100 ग्राम हमने ये मलाई ली है दूध की, गैस पर रख लिया है, दूध को बॉईल कर लें। तो फ्रेंड जैसे ये देखिए बॉईल हो गया हमारा दूध, ये देखिए किस तरीके से इसमें खटकी आ रही है। इसमें तो मैंने ये लिया था, तो ये इसमें डाल रही हूँ, मैं बंद गोभी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड हमने इसमें डाल लिया है, तो एक उबाल हम जल्दी से ले लेंगे, इसमें ये उबाल आ जाएगा, फिर हम इसे सिलो पे बनाएंगे, हम इसे 10 मिनट के लिए बनने देंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए किस तरीके का हो चुका है, ये हम चला कर देखते हैं इसको। ये देखिए पत्ता गोभी तो गल गया है हमारा, लेकिन अभी इसको मिलने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो 10 मिनट के लिए हम फिर से इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड हमारा ये 10 मिनट और फूट चुके हैं, हम देख रहे हैं, ये देखिए अब ये हमारा पत्ता गोभी जो था बंद गोभी, ये देखिए काफ़ी हद तक मिल चुका है दूध में, ये देखिए। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं जो मावा हमने लिया था, तो मैं ये डाल रही हूँ इसमें। अभी हम इसमें, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 100 ग्राम चीनी लिया मैंने, ये 1.5 लीटर दूध लिया था, 500 ग्राम मैंने पत्ता गोभी लिया था, तो मैं अभी ये चीनी डाल रही हूँ इसमें, चीनी भी हमने 100 ग्राम ही ली है। ये मैंने दूध की मलाई ली थी, तो ये मैं वो डाल रही हूँ इसमें। अभी हम इसको 10 मिनट और देंगे इसको। फ्रेंड ये 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें अब हम अपने ड्राई फ्रूट डालते हैं, सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं हम इसमें। मिनट के लिए हमने बस इसको ढक के रख देंगे, हम 5 मिनट और पकाएंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी खीर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया खीर तैयार बन के तैयार हुई है हमारी। अब हम इसमें लास्ट हम ये डाल रहे हैं, ये इलायची का पाउडर लिया मैंने, ये 2 इलायची ले ली मैंने, तो ये मैंने कूट लिए, ये तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया खीर तैयार हुई है, बंद कर रहे हैं, ये देखिए ये तैयार हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड हमारी खीर बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। एक बार ट्राई ज़रूर करें, पत्ता गोभी की खीर बनाएं एक बार, और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको, एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू।